नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल दीपेश गौर में। आज हम बात करने वाले हैं राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन मध्य प्रदेश के अंतर्गत लोक सेवा एवं परिवार कल्याण विभाग मध्य प्रदेश शासन में सलाहकार की पद पर भर्ती निकली है, तो क्या क्या योग्यता रहेगी, निःशुल्क आवेदन रहेगा या कुछ शुल्क लगने वाला है, उसमें ऑफलाइन रहेगा या ऑनलाइन, या सभी जानकारी देने वाले हैं, योग्यता पद कहाँ कहाँ पर है सभी जानकारी आपको देने वाले हैं। तो अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ऑल पर क्लिक करें ताकि आप सभी को वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। और WhatsApp ग्रुप की लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको दी गई है, वहां से आप ज्वाइन कर सकते हैं ताकि आप सभी को सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलिए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन मध्य प्रदेश लोक सेवा के अंतर्गत लोक सेवा एवं परिवार कल्याण विभाग मध्य प्रदेश शासन में भर्ती निकली। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन मध्य प्रदेश के संविदा आधार पर संविदा राज्य सलाहकार के रिक्त पदों पर नियुक्ति के लिए एमपी ऑनलाइन के माध्यम से आवेदन आमंत्रित करता है। यह अनुबंध 31 मार्च 2023 तक के लिए होगा, जिससे आगामी वर्षों की वार्षिक कार्य योजना में स्वीकृति नवीनीकृत किया जा सकता है। ठीक है, ये 31 मार्च 2023 तक के लिए आपकी ही रहेगी। तो इसमें अगर आपने कार्य अच्छा किया तो उसमें नवीनी कार्य योजना स्वीकृत की जा सकती है और पूर्णतः ऑनलाइन आवेदन रहेगा। ठीक है, यहाँ पर संविदा राज्य सलाहकार रिक्त पद कितने हैं, टोटल 22। इसमें आपको सैलरी जो मिलने वाली है वो 45,000 रुपये प्रतिमाह मिलने वाली है। और यहाँ पर आप शैक्षणिक योग्यता आप अपने हिसाब से देख सकते हैं, 21 से 43 वर्ष की आयु होनी चाहिए, मतलब मिनिमम 21 वर्ष और मैक्सिमम 43 वर्ष होनी चाहिए। अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, निःशक्त जन, महिलाएं, अनारक्षित, आरक्षित, आयु अधिकतम आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट आपको मिलेगी 1/1/2023 के अनुसार। एमपी ऑनलाइन की वेबसाइट www.mponline.gov.in के माध्यम से किया जा सकता है। दिनांक 26/9/2023 से उपलब्ध की जाएगी। ठीक है, लिंक इसके ऑनलाइन आवेदन 26/9/2023 से उपलब्ध किए जाएंगे। ऑनलाइन जमा करने की अंतिम तिथि 25/10/2023 रहेगी। ऑफलाइन आवेदन किसी भी स्थिति में मान्य स्वीकार नहीं किए जाएंगे। उपरोक्त संविदा रिक्त पदोन्नति, शैक्षणिक योग्यता अनुभव, अन्य नियम पुस्तिका एमपी ऑनलाइन के वेब पोर्टल पर भी आपको प्रदर्शित की जाएगी। कुल पद 25 है, जिसमें अनारक्षित को 27%, अनुसूचित जनजाति को 20%, अनुसूचित जाति को 16%, अन्य पिछड़ा वर्ग को 27%, आर्थिक रूप से कमजोर को 10% दिया जाएगा आरक्षण। रिक्तियों में मध्य प्रदेश के मूल निवासी दिव्यांगजन अभ्यर्थी हेतु आरक्षित पद, दृष्टिबाधित अगर आप हैं तो आपको 1.5%, बहरे कम सुनने वाले हैं तो भी 1.5% है तो उसको आपको दिया जाएगा। ठीक है, दिव्यांगजन का आरक्षण क्षेत्रीय के आधार पर 6% का प्रस्ताव तैयार किया जाएगा। निर्धारित प्रारूप में किए गए आवेदन अपूर्ण आवेदन स्वयं निरस्त माने जाएंगे। अंतिम तिथि के पश्चात प्राप्त होने वाले आवेदन पर विचार नहीं किया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखते हैं दोस्तों, बहुत अच्छी वैकेंसी है। अगर आप इसमें आवेदन करना चाहते हैं तो एक क्वालिफिकेशन अगर आप रखते हैं तो ही आप इसमें आवेदन कीजिए। अगर आपके पास क्वालिफिकेशन नहीं है तो बिल्कुल आवेदन मत करिएगा। ठीक है, इससे रिलेटेड कोई अपडेट आती है तो आपको ज़रूर प्रोवाइड की जाएगी। तो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ऑल पर क्लिक करें ताकि आप सभी को वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। धन्यवाद।